मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक कारक को कृत्रिम कारक, अब कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं, जैसे जला क्रांति है तो भूमि में फसल की आवश्यकता से अधिक पानी की उपलब्धता, और इसके बाद में फसल प्रणाली है कि अपन कौन से सिस्टम से फसल की बुआई कर रहे हैं, जैसे सघन खेती अपना रहे हैं या फसल चक्र अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं। इसके बाद में है मृदा का पीएच मान, पीएच मान का मतलब होता है कि भूमि में हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता, कि भूमि में हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता कम है या अधिक है, अगर कम है तो मृदा अम्लीय होगी और अधिक है तो मिट्टी क्षारीय होगी। अब अम्लीयता अधिक होने से मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और क्षारीय मृदा है तो कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है। और अम्लीय मृदा में जैसे मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन है, इनकी अधिकता हो जाती है, अधिकता होने से पौधों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद में है मृदा सूक्ष्म जीव, कि मृदा में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मृदा की उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, जो जीव है उर्वरता को घटाते हैं बढ़ाते हैं, किस प्रकार इसमें अपना योगदान देते हैं उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में, जैसे मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है जैसे शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, माइक्रोप्लास्टिक है आदि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये जो कवक है और एक्टिनोमास्टिड है जो भूमि में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है उनका विघटन करके पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और जो शैवाल है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है जिससे भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है। अब इसमें फिर कहते हैं मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव जैसे सेवा आदि पाए जाते हैं। कि भूमि में जो सूक्ष्म जीव है जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु तथा एक्टिनोमास्टिड आदि मुख्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। संचार को बढ़ाती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा उर्वरता को
बढ़ाती है। प्रदान करता है।
इस प्रकार मृदा में सूक्ष्म जीव जितने अधिक क्रियाशील होंगे मृदा उर्वरता उतनी अधिक होगी। भूमि में जितने अधिक सूक्ष्म जीव क्रियाशील होंगे मृदा की उर्वरता उतनी ही अधिक होगी। पौधे जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में 500 पॉइंट है। मृदा की मृदा में जो रासायनिक पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा है। कार्बनिक पदार्थ अधिक उपजाऊ होगी।
कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता, विभिन्न मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थ की सहायता से पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, प्राप्य अवस्था में पाए जाते हैं मृदा में। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है तो उन मृदाओं की उर्वरता भी अधिक होगी। अब चिकनी मिट्टी है, उसके बारीक कण होते हैं, उलझ मृदा के कण मोटे होते हैं। अब बारीक कण होने के कारण मिट्टी में जल और पोषक तत्व आसानी से भूमि में बने रहते हैं और उलझ मृदा के कण मोटे होते हैं। कण मोटे होने के कारण भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व पानी के साथ घुल कर जमीन के नीचे चले जाते हैं और उन मृदाओं की उर्वरता भी कम होती है। और जो बलुई मृदा है उन मृदाओं के कारण मोटे होते हैं और जो इनमें जो कार्बनिक पदार्थ है अधिक तापमान के कारण वो कार्बनिक पदार्थ तापमान में वृद्धि होती है जिससे खत्म हो जाता है और कार्बनिक पदार्थ की वजह से मृदा उर्वरता कम हो जाती है। मृदा जुताई की विधि व समय, मृदा जुताई की विधि व समय, मृदा की जुताई किस प्रकार करनी चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। धातु भूमि की जुताई, धातु भूमि की जुताई जुताई ढाल के लंबवत या ढाल के लंबवत या विपरीत दिशा में दिशा में करनी चाहिए जिससे पोषक तत्व है जिससे पोषक तत्व है पोषक तत्व पानी के साथ बहकर खेत से बाहर न जाए। खेत से बाहर बाहर न जाए। जिन क्षेत्रों में ढालू भूमि पाई जाती है उनमें ढलान अधिक पाई जाती है, वहां पर ढाल की लंबवत या विपरीत दिशा में बुआई करनी चाहिए और जिससे पोषक तत्व पानी के साथ बहकर खेत से बाहर न जाए। और आवश्यकता से अधिक जुताई नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक जुताई नहीं करनी चाहिए। भूमि की आवश्यकता से अधिक जुताई नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक जुताई करने पर मिट्टी के जो कण है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने से जल और वायु द्वारा मृदा का अपरदन अधिक होता है। करने से
अधिक ताप के कारण कार्बनिक पदार्थ जल जाता है। तापमान अधिक होने पर भूमि में जो कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध है वो अधिक तापमान से जलकर नष्ट हो जाते हैं, इससे मृदा उर्वरता कम हो जाती है, जिससे मिट्टी की भौतिक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे मृदा की भौतिक दशा पर दिशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कि भूमि में कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता होने से मिट्टी की जल और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है, और कार्बनिक पदार्थ भूमि में कम होने पर मिट्टी के जो कण है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उससे पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर या वायु द्वारा मृदा का प्रदूषण होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर
उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन या पैदावार देने की क्षमता से है। पैदावार देने की क्षमता से है, मतलब उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। जैसे प्रति हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उसे कितनी उपज प्राप्त हो रही है, इसे उपज या रुपए के रूप में मापा जाता है।